अभी इनके केस में यही है कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे और यदि तमिलनाडु पुलिस को यदि जरूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो सुनवाई करेंगे। जज साहब का क्लियर कहना हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ कि चूंकि वो बिहार के हैं और उस सारे केस में इनको बेल वहां पर मिल चुका है तो तमिलनाडु भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और अभी इनके लिए बहुत राहत भरी खबर थी चूँकि वो तमिलनाडु में भाषा, खाने पीने का सारा चीज़ वो साउथ कल्चर का होता है तो इनके लिए समझिए काला पानी की सज़ा जैसी थी। ऐसे परिस्थिति में माननीय न्यायालय में इनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर ये है कि अब इनको बिहार में ही रखा जाएगा। कितने दिन तक अभी वो बनेगा बेउर के लिए? जब तक अब केस है इनका, जब तक बेल नहीं होता है तब तक वो बिहार के पटना में ही रहेंगे। लेकिन उनके जो भी समर्थक हैं उनको ये समझना चाहिएगा कि प्रशासनिक कारणों से यदि वो हंगामा नाराबाजी करते हैं तो प्रशासनिक कारणों से इनको यहाँ से भेज देगा, यदि प्रशासन के हाथ में चला जाएगा। तो इसीलिए उनके समर्थकों को बहुत ज़्यादा उन्मादी नहीं होना है। आपको याद होगा शहाबुद्दीन जी के केस में बेल जब हुआ था और काफिला देख के ही उनको यहाँ से भेज दिया गया था। तो प्रशासनिक कारणों का भी बहुत सारा होता है तो इनके समर्थकों को बहुत अभी संयम बरतने की ज़रूरत है। अभी बेल के लिए आवेदन करना है। अभी जो इनके ऊपर संकट था कि इनको फिलहाल यही देखना था कि ये यहाँ पर पटना में रहते हैं कि नहीं, तो अभी एक लाइन में आर्गुमेंट में यही कहा गया कि उनके सारे केसेस में वहाँ पर बेल मिल चुके हैं और यहाँ का जो मामला है वो अब यहीं पर लंबित है। डे बाय डे इनकी सुनवाई में यदि कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन की भी बात होती है तो इसी बिंदु पर सारे बात। और उसमें एक और को अक्यूज जो थे युवराज सिंह, जिनको भी आज आरा जेल से यहाँ प्रस्तुत किया गया, उनको भी अब वहीं पर भेजा जा रहा है बेउर में। यही फिलहाल की खबर। कौन कौन केस में सुनवाई हुई है? अभी सारे केसेस में इनको जो है सो लेके अब सुनवाई नहीं हुई है। अभी ये इस मुद्दे पर तय था, लोगों के इनके समर्थकों में चिंता इस बात की थी कि क्या इनको पटना में रखा जाएगा या बिहार से बाहर भेजने की तमिलनाडु वाली खतरा है। तो वो संकट अभी चल चुका है। माननीय न्यायालय में इस बात को स्वीकार करते हुए कि नहीं, जब तक मैं हूँ अब इनको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। यदि तमिलनाडु पुलिस कोई मांग करती है तो वो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात होगा। तो वो तमाम तरह की बातें अभी न्यायालय में। हाँ, क्या होगा एनएसए पर बिंदु पर कोई बात नहीं, अभी उस पर कोई। अभी मनीष कश्यप का बेउर जेल में जाएंगे, वो बिहार में ही रहेंगे, ये बात तय। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।